एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चित्रकला विद गिन्नी। मैं गिन्नी आज आपके लिए दोबारा से लेकर आई हूँ अपने चैनल पर हाउ टू मेक कैनवास विद द हेल्प ऑफ शॉपिंग बैग। तो यहाँ पर आज मैं स्वीट बॉक्स नहीं ओनली कार्डबोर्ड यूज़ करने वाली हूँ। आपको स्वीट बॉक्स की वीडियो चाहिए तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आपने मुझसे पहली वीडियो में पूछा था कि क्या हम यहाँ पर थिक शॉपिंग बैग इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप ये वाला शॉपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक सिंपल कार्डबोर्ड और इस पर मैंने अच्छे से फेविकॉल लगा दिया है। एंड सेकेंड कार्डबोर्ड लेकर मैंने इसको थोड़ा सा टाइट बनाने के लिए कैनवास को यहाँ पर टू कार्डबोर्ड्स यूज़ किए हैं। अभी हम मास्किंग टेप लगाएंगे फोर साइड्स, बिकॉज आप देखते होंगे कि कार्डबोर्ड्स में साइड में थोड़े से सर्कल्स होते हैं, तो हम उसको फिल करने के लिए यहाँ पर मास्किंग टेप यूज़ कर रहे हैं। आपको फोर साइड्स मास्किंग टेप लगाना है अच्छे से। साइज़ यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड का 30 cm × 30 cm लिया है। स्क्वायर शेप में हम बना रहे हैं, आप राउंड शेप में भी बना सकते हो। और वैसे ही राउंड शेप वाली वीडियो भी मैंने शेयर की है, बट ये थोड़ी सी डिफरेंस है। और अभी आपको अपने शॉपिंग बैग को, जो आप थिक शॉपिंग बैग यूज़ कर रहे हो, उसको आपको कट करना है अपने कार्डबोर्ड के अकॉर्डिंग। जितना आपका कार्डबोर्ड बड़ा है उतना कट कर लीजिए, बाकी 1 inch साइड से छोड़ दीजिए। अभी हम यहाँ पे फेविकॉल लगा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। नाइफ नहीं है आपके पास तो आइसक्रीम स्टिक या फिर हैंड से भी कर सकते हो। आपको अच्छे से फेविकॉल लगाना है, कंजूसी नहीं करनी है। अगर आप फेविकॉल अच्छे से नहीं लगाओगे तो यहाँ पर बबल्स दिखेंगे और आपका कैनवास कहीं कहीं से निकलेगा, इसलिए अच्छे से फेविकॉल लगाइए, उसको टाइटली प्रेस करिए। आप लोगों ने मुझसे कहा था कि आपने बहुत ज़्यादा बार ट्राई किया बट नहीं बना। इट्स ओके, कभी कभी ऐसा होता है जब हम कोई स्टेप मिस कर देते हैं तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। बट यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप जब साइड में इस तरीके से फेविकॉल लगाओगे तब भी आपको कंजूसी नहीं करनी है। बिकॉज कपड़ा हमारा जो शॉपिंग बैग का है वो थोड़ा सा हार्ड है, अगर यहाँ पे आप फेविकॉल कम लगाओगे तो बाद में ही निकल सकता है। इसलिए आप अच्छे से फेविकॉल लगाइए और थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। नाउ अभी थोड़ी सी पीछे से हम फिनिशिंग के लिए मास्किंग टेप लगा रहे हैं। आपके पास मास्किंग टेप नहीं है तो आप वाइट पेपर भी लगा सकते हो। यहाँ पर मैं थिक मास्किंग टेप यूज़ कर रही हूँ क्लासिक का, और आपको मटेरियल लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो। तो लीजिए, हमारा बन गया शॉपिंग बैग से कैनवास। और अभी हम यहाँ पर कैसो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पाउडर। आप कोई भी बॉडी पाउडर यूज़ कर सकते हो। आपको बाउल में बॉडी पाउडर लेना है, उसके बाद सिंपल आप इसमें थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स कर दीजिए एंड थोड़ा सा आप वाइट एक्रेलिक कलर्स भी मिक्स कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 spoon मिक्स किया और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, फिर इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और लीजिए, हमारा होममेड गैसो रेडी है। आप ये गैसो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। यहाँ हमने गैसो इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि जब भी हम वर्क करते हैं पेंटिंग वर्क, तो सबसे पहले हम सरफेस को रेडी करते हैं पेंटिंग के लिए, उसके बाद हम पेंटिंग करते हैं। इस तरीके से आप पूरे कैनवास पर 1 coat 2 coat, अगर आपको लगता है कि 1 coat इज़ नॉट इनफ तो आप 2 coats अप्लाई कर दीजिए एंड फिर आपका कैनवास रेडी हो जाएगा पेंटिंग के लिए। आपको इसको 2 hours के लिए अच्छे से ड्राई होने के लिए रहने देना है और फिर ये अच्छे से ड्राई होने के बाद रेडी हो जाएगा पेंटिंग के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका कैनवास का कलर डल हो रहा है तो आप 1 coat वाइट एक्रेलिक कलर की भी अप्लाई कर सकते हो। आपको ज़्यादा शाइनिंग चाहिए पेंटिंग में तो आप यहाँ पर वाइट कलर से एक और कोट कर सकते हो, अदरवाइज़ वाइट कलर ऑप्शनल है। तो लीजिए, हमारा कैनवास रेडी है ड्राई होने के लिए, और ड्राई होने के बाद आपका कैनवास कुछ इस तरीके से दिखेगा, मार्केट के जैसा कैनवास है, बट मैं मार्केट का जैसे नहीं कहूँगी टोटल। और ये देखिए, हमने ये पहले जो वीडियो डाली थी, प्रीवियस वीडियो, उस पर मैंने जो पेंटिंग बनाई थी वो आपके सामने है।
जब भी मैं कोई भी इस तरीके की वीडियो अपलोड करती हूँ तो पहले मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उसके बाद आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो आप बेफिक्र होकर इस तरीके से कैनवास बना सकते हो। एज अ बिगिनर आप इस तरीके के हैंडमेड कैनवास यूज़ कर सकते हो। मटेरियल है वो आपको एक घर में ही अवेलेबल मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और जिसको इसकी नीड है उसके साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना।